रावलपिंडी के अडियाला जेल में पीटीआई चेयरमैन खिलाफ साइफर केस की बुधनी मीडिया के नुमाइंदन के अंदर वन की इजाजत न मिली। केस की बुधनी बिना कार्रवाई के 4 दिसंबर तीन मुलतवी। तहरीक इंसाफ जो इंटर पार्टी चूंडू अज पेशावर में थी रही हैं। बैरिस्टर गौहर पीटीआई चेयरमैन के अहदे लिए नामजदगी कागज जमा कराए छड़िया। बानी मेंबर्स मौजूदा सेटअप पारा कल इंतजाम से बेतमादी जाहिर कदे इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वर्स मुकर्र करने जो मुतालबो कर छो। अकबर इस बाबर जो चवना है तो इलेक्शन कमीशन के सजे अमल की निगरानी करण घुर्जे छाकाण तैयार तारीख की पहली इलेक्शन है जैमें वोटर्स मौजूद ही ना। लाहौर की एहतसाब अदालत आमदनी का शासन वे रेफरेंस में अहद की माँ की बरीयत वाली दरख्वास्त फैसलो महफूज कर वरतो। नेब तरफा एडवोकेट वारिस अली जंजुआ दलील दिना। बाद में अदालत फैसलो महफूज कयो जो 8 दिसंबर से बुधायो वेंदो। परे खाते गडियल अरब इमारतों में जारी आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP28 के मौके पर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी विच में मुलाकात वे इम्कान के रद्द कर छो। मुमताज जहरा बलोच चवना है आलमी कॉन्फ्रेंस दौरान पाक भारत वजीर आजम विच में मुलाकात तय ना है। दुबई के दौरे से पहुंचल निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ जो मुख्तलिफ मुल्क के वजीर आजमन से मुलाकातू। गडियल अरब इमारात के वजीर आजम से गरजाणी दौरान बितरफन लागापन के ख्याल की डेवट। अनवारुल हक काकड़ जमहूरिया एस्टोनिया के वजीर आजम विच में मुलाकात। तालीमी इदारन में सहकार वधान ते इतफाक। नैदरलैंड के वजीर आजम से मुलाकात दौरान अफगानिस्तान ए गाजा की सूरतयाल समेत बितरफन लागापन के गाल। निगरान वजीर आजम चवाए तो गडियल दिलचस्पी के मामलों से गरजी कम करण घुर्ज। घट कार्बन खारिज कर बावजूद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के खतरन जो शिकार है। अवाम मुल्क की किस्मत उन्हें बिन शख्सियतों के हवाले न करें जिन नफरत विरासत की सियासत कई। असा के पांची पुरानी सोच के छदे अवाम के मईशत सियासत में हिस्सेदार बनाणो पवो। असा के गरजी एक नए दौर की सियासत के मुतारफ कराण है। नफरत विरासत अना की सियासत खत्म कर अगते वी नौजवान मुल्क लो किरदार अदा कन। बुधा पे वे तो टे भेरा वजीर आजम रहदड़ चौथों भेरों इकतदार में अची मुल्क के दुखियान में कढ़ो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो कोयटा में बलोचिस्तान बार एंड लोकल काउंसिल एसोसिएशन ऑफ बलोचिस्तान के खिताब। संदस्य चवना है इस्लामाबाद में वेठल बाबू न पान कम कन था नई बियन के कर दियन था। मौसमियाती तब्दीली वो चैलेंज है। मौसमियाती तब्दीली के करे सिंध ए बलोचिस्तान के वो नुकसान भोगणो पो। मौसमियाती तब्दीली वे चैलेंज के मुंह दियण ला मनसूबाबंदी की अशद जरूरत है। चैलेंज के मुंह दियण ला दुनिया से गरजी कम करो पव। उमरकोट वेझो टूअर से वींदड़ स्कूली शागिर्दन की बस कल्टी थी पई। 25 शागिर्द जख्मी। जख्मी में रिजवान अब्दुल जब्बार सुलेमान अली रजा मोहम्मद रहीम बशीर अहमद हसनीन बिया शामिल। हादसों मखदूम तालिबुल मौला गोट वेझो पेश आयो। उमरकोट के सिविल अस्पताल में इमरजेंसी लागू। 6 शागिर्दन के गणती जोगी हालत में हैदराबाद रेफर कर। आवाज़ टीवी तरफा 3 दिसंबर से सिंध की सकाफत जो दिहाड़ो। सिंध की तहजीब जो आइंदो इतिहाद इलम ए टेक्नोलॉजी के सिरेट मल्हाण लाए सजी सिंध में तैयारियों उरूज से पहुंची व्यू। कराची का कश्मोर तई सकाफती रंग निखरी पिया। नंढन वडन शहरन में तकरीबन रैलियों सुघणे मच कचहरियों जो सिलसिलो जारी। स्कूलन में भी शानदार प्रोग्राम मुनक़िद कया पिया वन। सजी सिंध में सिंधी सकाफती रंग जरकन लगा। मासूम बारड़ा भी सिंध अमर के भेटा दियण में अग भरा।